हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेवन हॉक ग्राफिक। और आज की वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं ये वाला पोस्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा हमारा कैनवस और हमें चाहिए हमारा प्रोडक्ट जो ये है। अब हम राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे और एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल टूल और यहाँ पे हम बनाएंगे शेप। स्टॉक ऑफ करेंगे, फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब हमें इसे करना होगा थोड़ा सा टिल्ट, ऐसे इसे हम करेंगे थोड़ा सा रोटेट एंड ओके। और अब हम सिलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड लेयर, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे सॉलिड कलर। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे और इससे हम थोड़ा सा लेंगे ब्राइट कलर एंड ओके। फिर हम एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट ए क्लिपिंग मार्क्स। ऊपर वाली लेयर को हम थोड़ा हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए एंड देन हम सेलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट टूल और इसके जो हम कलर है उसे हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हमें चाहिए इससे थोड़ा ब्राइट कलर, ये ठीक लग रहा है। और इसे हमें इस तरीके से अप्लाई करना है, एक बार फिर से करते हैं ऐसे। इसके ब्लेंडिंग मोड को हम चेंज करके देखते हैं स्क्रीन, थोड़ा इसे हम साइज को कम कर देते हैं। फिर से हम इस लेयर की कॉपी करेंगे और जिसका ब्लेंडिंग मोड है उसे हम चेंज करके कर देंगे सॉफ्ट, सॉफ्ट लाइट नीचे वाले को। और अब हम इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी हम एक कॉपी बनाते हैं, इसे हम थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। और अब हम इस कलर को कर देंगे चेंज और हमें चाहिए इससे भी डार्क कलर क्योंकि हमें बनाना है इसका शेडो। इसे कर देते हैं हम चेंज, राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और इसे हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर एंड गॉशियन ब्लर, गॉशियन ब्लर हमारा रहेगा 6.5 एंड ओके। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे लेयर मार्क्स, उसके बाद हम क्लिक करेंगे ग्रेडियंट टूल और जो हमारा कलर है वो ब्लैक होना चाहिए और इसे हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे ऐसे। इस पे हम मोशन ब्लर भी अप्लाई कर लेते हैं इतना एंड ओके। और अब हम ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, देन क्लिक ऑन बेवल एंड एम्बर्श। जैसे यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे देखिए आपको व्हाइट लाइन दिख रहा होगा, वो इसलिए है क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट शो करना है और जो हमारा हाईलाइट मोड है उसका जो हमारा कलर है वो व्हाइट है और ब्लेंडिंग मोड हमारा नॉर्मल, ओपेसिटी हमारे 100% है और बाकी सारी प्रॉपर्टीज हमारी सेम रहेगी एंड ओके। एंड देन इन सभी लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे और उनको कर देंगे ग्रुप। बैकग्राउंड वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे थोड़ा और हाईलाइट कलर एंड ओके। और उसको हम ओपेसिटी हम कर देंगे फुल और उसे हम यहाँ पे ऐसे अप्लाई करते हैं। इसके ब्लेंडिंग मोड को कर देंगे हम स्क्रीन, इसे ऑन करते हैं और इसे हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं इतना एंड ओके। और अब हम इस वाले लेयर की फिर से एक कॉपी बनाते हैं, इसे हम थोड़ा कर देंगे इंक्रीज पर इसकी ओपेसिटी हम थोड़ा कम कर देते हैं एंड देन इसे हम थोड़ा और ऐसे रोटेट करते हैं। हमें इसके नीचे देना है शेडो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ले लेते हैं ब्लैक और यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हम इसे रोटेट करेंगे एंड देन ऐसे इसके साइज को थोड़ा कम कर देते हैं। इसे हम इसके नीचे लेके आएंगे, इसकी ओपेसिटी थोड़ा कम कर देते हैं और जो ये वाला पार्ट है इसे हमने इरेज करना है तो इसके लिए हम न्यू लेयर लेंगे, सॉरी लेयर मार्क्स ऐड करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और अब हम ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं, एक न्यू लेयर लेंगे और इसे राइट क्लिक करके क्लिपिंग मार्क करेंगे क्योंकि मुझे इस वाले पे भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके यहाँ पे भी थोड़ा डार्क करना है ताकि वो लगे कि यहाँ पे भी शेड हुआ, तो इसके लिए हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे ऐसे। ये हो गया, इसके ब्लेंडिंग मोड को कर देते हैं हम चेंज सॉफ्ट, हम इसे फिर से कॉपी बनाते हैं, ओपेसिटी कर देंगे कम। और अब हम इससे कॉपी बनाते हैं, कंट्रोल टी करेंगे और इसको तो हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे एंड देन हम इसे ऐसे रोटेट कर, ये हो गया। इसे हम लेके आते हैं इसके नीचे एंड देन हम फिल्टर पे जाएंगे, मोशन ब्लर, इसके एंगल को करते हैं चेंज और मोशन ब्लर थोड़ा कम कर देते हैं, डिस्टेंस रहेगा हमारा 18 एंड ओके।
फिर से हम फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर एंड गॉजियन ब्लर, ये भी रहेगा हमारा 1.3 एंड ओके। और अब हमें इसे क्या करना है, ऑल्ट होल्ड करेंगे एंड लेयर मास्क ऐड करेंगे एंड देन हमें इस वाले जो नीचे वाला जो लेयर है हमने इसका सिलेक्शन बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल होल्ड करेंगे और इस लेयर जो लेयर मास्क जो थंबनेल है हमने यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन हम सेलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट टूल और ये हमारा वाइट होना चाहिए और इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे ऐसे और कंट्रोल टी, ये हो गया। इसकी ओपेसिटी हम थोड़ा कम कर देते हैं और अब हम इस पे ऐड करना है थोड़ा सा ब्राइटनेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स, फिर एडिट पे जाएंगे, फिल एंड 50% ग्रे, ओके। और ब्लेंडिंग मोड हमारा हो जाएगा ओवरले और डोस्टूल सेलेक्ट करेंगे और जहाँ हमें हाईलाइट चाहिए हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं ऐसे और देन हम सेलेक्ट करेंगे बर्न टूल ऐसे, इसे हाइड करके देखते हैं, ये देखिए ये हो गया। और अब हम फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो वाइट होना चाहिए और ऐसे हम अप्लाई करते हैं। हमें क्रिएट करना है यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट, साइज थोड़ा और कम कर देते हैं एंड देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से इसे हम रोटेट करते हैं एंड ओके। इसे हम यहाँ पे लेके आएंगे, फिर से रोटेट करते हैं इसे थोड़ा और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम कर देंगे चेंज, सॉफ्ट लाइट, साइज थोड़ा और कम कर एंड ओके, ये हो गया। और हमें इसे साइड से भी करना है तो इसकी हम एक कॉपी बनाते हैं और यहाँ पे रख लेयर मार्क्स ऐड करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम रेज कर देंगे ऐसे, ये हो गया। और जो हमारा ये है यहाँ पे हमें थोड़ा सा और हाईलाइट चाहिए करना है तो इसके लिए हम फिर से इसकी कॉपी बनाते हैं, ये देखिए इतना हो गया। इसकी जो ओपेसिटी है हम वो थोड़ा कम कर देते हैं ना। और अब हम इस वाले सभी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, उनको कर देंगे हम ग्रुप एंड देन हमने क्या करना है, एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ से जो हमारा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जो कलर है हमने उसे चेंज करना है। तो फोरग्राउंड कलर में हम लेंगे यहाँ से कलर, ये ले लेते हैं और जो बैकग्राउंड है वहाँ पे हम थोड़ा डार्क कलर लेंगे इतना, हम इसे चेंज करके देखते हैं कैसा होता है। तो उसके लिए हम जाएंगे फिल्टर पे, रेंडर एंड क्लाउड और यहाँ से हम कर देंगे स्क्रीन और फिर हम करेंगे राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद जाएंगे हम फिल्टर पे, ब्लर एंड मोशन ब्लर, तो इसके लिए हम ऐसे कर देते हैं इसके एंगल को चेंज, डिस्टेंस भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे ओके एंड देन हम करेंगे कंट्रोल टी और इसे हम कर देंगे ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम इसे चेंज करते हैं ऐसे एंड ओके। राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे जो ये चीज है इसे हम राइट की तरफ ट्रैक करते हैं इतना एंड देन हम इसे सेपरेट करेंगे। उसके लिए हमें करना होगा ऑल्ट होल्ड एंड देन हम यहाँ पे क्लिक करके और इसे ड्रैग करते हैं ऐसे, इसे हम इधर की तरफ कर देते हैं थोड़ा एंड देन ओके। लेयर मार्क्स ऐड करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, साइज इंक्रीज और ओपेसिटी हम कर देंगे कम और यहाँ से हम अप्लाई करेंगे, नीचे से भी कर देते हैं, ऑफ करके देखते हैं कैसे लग रहा है, ये देखिए। और अब हम इन सभी को सिलेक्ट करते हैं, इनका कर देंगे हम ग्रुप और जो बॉक्स है हम इससे कॉपी बनाते हैं, ऊपर लेके आएंगे और इससे साइज को हम कर देंगे थोड़ा इंक्रीज, रोटेट करेंगे ऐसे एंड ओके। फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर एंड मोशन ब्लर एंड ओके, देन फिल्टर, ब्लर एंड गॉजियन ब्लर, देन हम क्लिक करेंगे बैकग्राउंड और बैकग्राउंड हमें थोड़ा सा और डार्क चाहिए तो उसके लिए हम इसे और डार्क कर देते हैं इतना। देन हम इस वाले को सिलेक्ट करते हैं, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे और एक्सपोजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे क्लिपिंग मार्क्स और इसे हम कर देते हैं थोड़ा डार्क। ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और ओपेसिटी फुल करके यहाँ से हम कर देंगे हाईलाइट एंड ओके। और अब हम इन सभी को मर्ज करेंगे तो उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई,
राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड देन गो टू फिल्टर एंड कैमरा रो फिल्टर बेसिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, टिंट भी इंक्रीज करेंगे, एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट भी एंड देन हम क्लिक करेंगे इफेक्ट पे, इसे साइज करेंगे थोड़ा डार्क एंड ओके। आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।